टेनिस का बहरीन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टेनिस चैलेंज जो एटीपी चैलेंजर है, ये बहरीन का मनामा में 22 तारीख से शुरू हुआ था और कल फाइनल डे में राजकुमार रमानाथन ने बना पहली बार एटीपी चैंपियन। इसके अलावा भी डबल्स में भी रहा इंडियन खिलाड़ी का जबरदस्त प्रदर्शन। राजकुमार रमानाथन ने सिंगल का राउंड ऑफ 32 में यूक्रेन का बल्देसलेब को 6-2, 6-4 स्ट्रेट सेट में हराते हुए राउंड ऑफ 16 में पहुंचा था। राउंड ऑफ 16 में भी क्रोएशिया का डोजे को 6-2 और 6-4 के साथ स्ट्रेट सेट में हराते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। क्वार्टर फाइनल में फिर पुर्तगाल का गलकोनो को 2-1 में हराते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा था। सेमीफाइनल में फिर ग्रेट ब्रिटेन का जय क्लार्क को 5-7, 6-3 और 6-2 के साथ हराते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। फिर फाइनल में भी रसिया का एवगेन कार्लोवस्की के खिलाफ 6-1 और 6-4 के साथ जबरदस्त तरीके से मैच जीतते हुए चैंपियन बना। इससे पहले 6 बार फेल होने के बाद ये पहली बार के लिए राजकुमार ने बना एटीपी चैंपियन। इसके अलावा भी इस टूर्नामेंट में 2 सिंगल खिलाड़ी और था, जिसमें से मकुंद जो पहले ही राउंड में क्रोएशिया का दोजे के खिलाफ दोनों सेट 4-6 में हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हुआ था, और एक खिलाड़ी था प्रोजनेस जो पहले ही राउंड में तुर्की का यानेकी के खिलाफ दोनों सेट 3-6 में हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हुआ था। फिर डबल्स में भी इंडिया के लिए 2 जोड़ी था। पहला जोड़ी अर्जुन और रामकुमार का जो राउंड ऑफ 16 में सऊदी अरबिया का जोड़ी को 6-0 और 3-1 रिटायर के साथ जीतते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। फिर क्वार्टर फाइनल में चेक रिपब्लिक का जोड़ी के सामने 6-4 और 6-2 में जीतते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाया था, लेकिन सेमीफाइनल में जाके न्यूक्रिस्ट और जर्मनी का पल्भोरेस्की के सामने 3-6, 6-1 और 7-10 के साथ 1-2 में मैच हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हुआ था। और एक जोड़ी था दिविज शरण और श्रीराम बालाजी जो राउंड ऑफ 16 में पहले बहरीन का एच अब्दुल नबी और ए अब्दुल नबी को 6-1 और 6-0 में हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया था। फिर क्वार्टर फाइनल में उज़्बेकिस्तान और चाइनीज ताइपेन का जोड़ी को 6-3 और 7-6 ट्राइब्रेकर के थ्रू जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन सेमीफाइनल में जाके पुर्तगाल के जोड़ी के सामने 4-6 और 2-6 स्ट्रेट सेट में हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। तो डबल्स का दोनों जोड़ी सेमीफाइनल पहुंचा था, लेकिन फाइनल में किसी ने भी नहीं क्वालिफाई किए। तो इस टूर्नामेंट में सिंगल में चैंपियन के साथ साथ डबल में भी रहा इंडिया का लाजवाब प्रदर्शन।